आज से 22 साल पहले की बात है। एक मुख्यमंत्री, जनता की फरियादों को सीधे सुनने वाला, जनता की फरियादों को ऑन द स्पॉट सॉल्व करने वाला मुख्यमंत्री। गरीब आदमी है, उसको मदद कीजिए वे पूरी। देश का पहला डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम देने वाला मुख्यमंत्री। स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम। आधुनिक विज्ञान सामान्य मानवी ने केवल उपयोगी आधार એનો એક અદભુત પ્રયોગ આજે ગુજરાતે શરૂ કર્યો છે અને સંપૂર્ણ દેશમાં આ પ્રયોગ પહેલો છે। श्री नरेंद्र मोदी जी जनता और सरकार के बीच भरोसे का नया सेतु बना चुके थे। वे स्वयं हर महीने के चौथे गुरुवार को लोगों की शिकायतों को सुनते और उन्हें हल करते थे। ये कार्यक्रम सिर्फ गांधीनगर की गलियों तक सीमित नहीं था। स्वागत ने राज्य, जिला, तालुका और ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों की फरियादों का स्वागत किया। આજ જયારે હું પ્રશ્ન લઈને જો વિડીયો કોન્ફરન્સમાં મોદી સાહેબ ના ત્યાં, એટલે મને પૂરેપૂરો સાંભળ્યો, આ પ્રશ્ન મારો હલ થયો। લોકોને તો ઇસે સરાહા હી, સાથ હી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જૈસે બડે સંગઠનોને ભી ઇસે પુરસ્કાર પ્રદાન કિયે। ભારત સરકારને ભી સ્વાગત કો આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ ઇન સિટીઝન સેન્ટ્રિક સર્વિસ કેટેગરી મે પુરસ્કાર દિયા। फिर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और गुजरात की ये नई रीति परंपरा बन गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में इस परंपरा का उसी प्रतिबद्धता से स्वागत होता गया और देखते ही देखते 24 अप्रैल 2023 को स्वागत कार्यक्रम के 20 वर्ष पूर्ण हो गए। बीते 20 वर्षों में स्वागत में आए प्रश्नों में से 99.91% प्रश्नों का समाधान किया गया है। 2 दशक की इस रिश्तेदारी और जिम्मेदारी को राज्य सरकार स्वागत सप्ताह के रूप में मना रही है। इस एक सप्ताह में राज्य भर से आई शिकायतों का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया, पर ये तो बस शुरुआत है। नए गुजरात की नई चुनौतियों से निपटने के लिए है तैयार स्वागत ऑनलाइन प्रोग्राम। स्वागत फरियादों का, स्वागत टेक्नोलॉजी का, स्वागत भरोसे का। भारत माता की जय।